आज है इंडिपेंडेंस डे। राजू भाई ने अपनी चाबी घुमा दी स्कूटी की, बस सांस पत्तों की कमी हो रही है भाई। सुबह वगैरह ये रे क्या अभी ने फिर किसी की पतंग मिली, इसी के लिए लड़ रहे हैं। जिसकी सर्दी है आ जाओ मिन्नी से पैसे लड़ाने। अपनी इस बार भी कटवा दी, शर्म नहीं आ रही इनको। बाकी फिर भी बच गई है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोहित के तूफानी व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो गाइस, आज है इंडिपेंडेंस डे जिसका हमें था बहुत इंतजार, जिसके लिए हमारा दिल बहुत ज्यादा बेकरार था पतंगबाजी करने के लिए। तो अभी हम सुबह सुबह कहाँ आ गए? खैर सुबह तो नहीं हो रही, 11 बज चुके। तो अभी 11 बज चुके और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, पास में एक पार्क है, वहाँ पर अभी जैदी भाई हरसू वगैरह जो है अभी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, जैसे कि हम होली वाले टाइम पर रहते लोकल क्रिकेट टीम। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, देखते थोड़ा बहुत टाइम पास वगैरह होता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी छत पे, तो अभी पतंग वगैरह कुछ हमने नहीं उड़ाई। वहाँ जाके थोड़ा सा देखते हैं क्या माहौल बनता है, उसके बाद फिर आज पतंगबाजी बहुत बहुत घमासान मैच होने वाला है हमारा आज पतंगबाजी का। और जो जो हमें पाजी ने टिप्स दी थी आज हम उसको इस्तेमाल करके अपनी सारी पतंगें दोबारा कटवाने जा रहे हैं। सो गई, सामने जो आपका पेड़ नजर आ रहा है उसके नीचे वो शायद खेल रहे हैं। तो अभी जो है ये सारे मुझे जितना लग रहा है इनका पैकअप हो चुका है। दो प्लेयर आए तो भी मैच लगाएंगे ना। अरे हमारे को देख के डर गए होंगे। हाँ। कुछ भी कितने तगड़े तगड़े बार बार पीछे लेने जाना पड़ेगा इस वजह की मती के। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मोहित है, ये विन्नी ने लेट कर दिया यार। पूरा अ फ्यू इंचेस लेटर। सो गाइस, जैसे अब हम आए थे वैसे इनके मैच खत्म हो गए, जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और हर्ष भाई ने अपनी चाबी घुमा दी स्कूटी की, अब हम खाली यहाँ पर मुझे लग रहा है चाबी ढूंढने के लिए आए हैं, अब हम चाबी ढूंढेंगे खाली। Meanwhile, सो गाइस 15 अगस्त है और वो पतंगों की जगह फिर मेरा काट के चली गई। सो गाइस, अब आधे घंटे से ज्यादा हमें बस ये ऐसी हो गए, अब हम वो बुढ़े अंकलों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, बस ताश पत्तों की कमी हो रही है भाई। जैसे ताश पत्ते खेलने के लिए बैठे रहते ना। सो गाइस, अब हर्षू की जो चाबी है वो हमें मिली तो नहीं, तो हर्ष भाई के जो भाई है वो इन्हें दूसरी स्पेयर चाबी देके चले गए हैं, अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। चाबी बोलो भाई, यार कॉलिंग इट स्पेयर। स्पेयर भी बोल सकते हैं हर्ष भाई, एक्स्ट्रा बोलिए, एक्स्ट्रा बोलो। चैलेंज इंडियन व्लॉगिंग चैनल, ओके। कोई सेंसेस बात तो, बट वी आर इंटरनेशनल मैन। कल्ला है ना तू, अफ्रीका का पक्का आ गया है। सो गाइस, ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे का क्या सीन होने वाले वो आपको बिल्कुल पता लगता रहेगा। तो चलिए गाइस, खैर धूप बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी ने ना मतलब सारे सीमाएं तोड़ दी, धूप ने इतनी गंदी चुभ रही है। बाकी सो गाइस, अब 4:56 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और अब हम इतने टाइम बाद ऊपर आ चुके हैं और धूप काफी हो रही थी पहले, अभी बिल्कुल हम दिन में टर्न करके सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। तो विन्नी और बासु वगैरह ये रहे क्या अभी ने फिर किसी की पतंग मिली, इसी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी माहौल कुछ ऐसा है, पतंगें तो खैर उड़ने लग गई, अब सुबह तक खाली थी कर दी। हो गई जब हमारी इस इंडिपेंडेंस डे की पहली पतंग जा रही है। पतंग पकड़ते रहो, गई 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 ना। पता नहीं क्या ही हो रहा है, लोग जिले में 10-25 वो कर लेते हैं। अबे साले और ये हमारी हुई है। अरे पहले तो एक ये सब इसके वजह से हुआ है, ये बातें बना रहा है, ढील वील देनी आती नहीं है, पकड़ा। सो गाइस, अपनी एक पतंग कटवाने के बाद हमने जो अपनी पतंगों की डोर है दी है विन्नी को ऑफ स्क्रीन, इससे पहले ये एक पतंग बिल्कुल किसी के घर में डाल चुका है, तो पेचे वेचे की तो इससे उम्मीद करो मत। सबकी पतंग सीधी जा रही, तेरे लावा मर गई। जिसकी सर्दी है आ जाओ विन्नी से पेचे लड़ाने।
ओए होए बिन्नी से बेचे यही रखाने आ रहा सामने से। ये भी नहीं कटेगी क्या हमारी वो वाली ब्लैक वाली है, मुझे पता नहीं आपको नजर आ रही नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, वो घर तक एक सेकंड नहीं लगा, एक सेकंड। गाइस इन बच्चों ने काटी है पतंग बिन्नी की, पता मजा आ गया। अब आगे स्वाद एक पतंग कटवाने के बाद हमारे अंदर अभी जोश फिर भी पूरा है, अब हम इसको भेज रहे हैं। हमारा क्या सक्सेस रेट रहता है तो एक पतंग कटवाने से क्या लगा क्या लगा क्या लगा। ओए इसको लूट यार, इसको लूट, पकड़ आई बॉय। थप्पड़ मारूंगा सामने, अब मत देखना तू, माथे बंद करके खड़े रहो। मोहित कह रहा है वो गाइस जो दिख रही है वो वाली काटी है, अब पता नहीं काटी है नहीं काटी। अपनी इस बार भी कटवा दी, शर्म नहीं आ रही इनको। पहले मेरा किल टू डेथ रेशियो जो है एक का एक कटवा रहे हैं। बिन्नी कह रहा बासु ने ठान लिया इस टावर के अंदर अटकाएगा पतंग, बासु किसी में तो डाल दे यार। बासु ने 400 लगा दिए पीछे और आखिरी में वो टैंकी के अंदर जाके डाल दी। नहीं देगा इस, बिन्नी ने सही कहा था, कहीं ना कहीं अटकाएगा ये। सो गाइस अब आप लोग देख सकते हो हम कितने बिल्कुल परफेक्ट है पतंगबाजी के अंदर, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ हूँ और अब मैं बिल्कुल ऐसे ध्यान में हूँ जितना आसमान है उसमें सारी पतंगें खाली कर दूँ और अब मैं जा रहा हूँ बहुत दूसरे के साथ। चलिए ये देखो इसका चरखड़ा पकड़ने वाला क्या कर रहा है ये, ओए क्या दे, ये तो लगता ही वो कर देगी यार। ये क्या हो गया ये, हम इस बार कटी है, इस बार हमने गाइस देखा है रिकॉर्ड कराया, अब हमारी भी अब हमारी भी कटी है। देखिए भाई ये वाला, भाई ये वाला मुझे पता नहीं चला किसे लग गया। चुप एक्सक्यूज मी। लो गाइस, गाइस पतंग की फट गई। अरे कहना क्या चाहते हो, मेरा पतंग फट गई। Many minutes later. So guys, सबसे मैं कन्ने लगाने पे लगा और विन्नी जो पतंगे आ रही है उन सबको वो करवाए जा रहे हैं, वो भी नहीं करवा रहा क्योंकि उड़ तो रही नहीं है, कभी किसी के घर छोड़वा दे रहा है कभी किसी के घर छुड़वा दे रहा है। और बासु देखो, बासु हमारे सबसे मेहनती बंदा है, अभी भी ये पहले भी आपने देखा होगा इसने मांझे ही पकड़ा हुआ था, अभी भी मांझे ही पकड़ा हुआ है। बाकी गाइस अभी मेरा टाइम आने वाला है, मैं इकट्ठे कम से कम 5-6 बजे गजब बेइज्जती है। सो गाइस आपको एक आज विनय भाई का निकनेम बता रहे हैं, विनय भाई को हम गोंडू के नाम से डिनोट करते हैं। गोंडू के नाम से डिनोट करने का रीजन जो आप लोगों को पहले लग रहा होगा कि भाई का थोड़ा सा रेट ज्यादा चक्कर में करते थे, पर नहीं, हम बिन्नी भाई की हरकतों की वजह से उनको गोंडू बोलते थे। अगर आप इसको चरखड़ा दोगे तो ये चरखड़ा ढंग से नहीं पकड़ पाएगा, अगर आपने इसको कैमरा दिया तो चारों तरफ कैसे कर रहा है ये, यू यू घुमा रहा है, मेरी तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। चुप कर, खींच बेटे खींच। सो गाइस मैंने अभी एक और चीज नोटिस करी वो ये है कि भाई बहुत से बंदे अभी भी प्लास्टिक के मांझे उड़ा रहे हैं, जितने भी बो के पतंगे आई हैं सारी प्लास्टिक वाले मांझे की आई है, और हम एनआरके के बिल्कुल इंडियन मांझे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि हमें पाजी ने बोला था। विनय कह रहा लाल सद्दी, अबे साले। सो गाइस दिमाग सब करने लगा रहे, मेरा तो दोस्त सारा खत्म हो चुका है, पर ये देखिए हमारी उंगली की भी अब थोड़ी सी हालत खराब हो गई है। सो गाइस अब 7:30 हो चुके हैं और हमारी ऑलमोस्ट सारी काइट फ्लाइंग थी, पतंगबाजी थी, अब हमने बिल्कुल एंड कर दी है। और गाइस आज हमने कुछ ज्यादा पतंगे नहीं उड़ाई, ना करते हम 5:30 बजे करीबन करीब गए शाम को, और फिर कन्ने बांधने और फिर दूसरे की लूटी हुई पतंगों को उड़ाने में हमारी सारी आज टाइम निकल गया। और हाँ खैर हमने आज अपनी पतंगे कटवाई ज्यादा है, पर कोई नहीं भाई, देखो मेन मजा जो है ना वो काइट उड़ाने का आता है मेरे को, तो मैंने आपको पहले भी बताया था काटने उड़ाने से मेरे को कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। तो बाकी देख सकते हैं आप इतनी पतंगे अभी हमारी बाकी फिर भी बच गई हैं, तो इस बार हमने ना के बराबर ही हमने कुछ पतंगे उड़ाई हैं, बाकी सब इन शॉर्ट ये है कि आज हमने ज्यादा पतंगे नहीं उड़ाई, आज हम बस थोड़ा बाहर घूमने वगैरह में, और दिन में तो भाई काफी तगड़ी नींद है। सो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, सो गाइस 8:30 हो चुके हैं, बीच में कुछ अपनी थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो अब इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। बाकी गाइस अगर
अगर आपको कोडिंग वगैरह कुछ भी वीडियोस वगैरह देखनी हो, जावा वगैरह जो भी उधर, सो आप डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल का लिंक है, कोड प्लांट चैनल का नेम है, आप जाके उसे देख सकते हैं और सपोर्ट करिए भाई को। और साथ में अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मतलब रोस्ट वीडियोस देखने हैं तो मेरे लिए नोट 7 नाम से काफी अच्छा रोस्ट कर रहे, तो आप प्लीज उसे भी सपोर्ट उसको भी दे। सो गाइस हमारी इज्जत रख के जो हमारे 4-5 कोई अच्छे सब्सक्राइबर है, जाके उन भाइयों को सपोर्ट दिखाइए। ठीक है भाई, बाय बाय गाइस, आई होप आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। आपको कहीं भी इंडियन फ्लैग कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आए उसको प्लीज उठा लीजिए, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। बाकी गाइस आप सपोर्ट करते रहिए, बाकी बाय बाय।